नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस का सुंदरकांड। सुंदरकांड के कुछ पदों की व्याख्या मैं पहले करवा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आज वहाँ से आप कर सकते हैं। आइए आज की व्याख्या देखते हैं। अब से पहले जो हमने व्याख्या करी है उसमें क्या था कि हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं और रावण के जो राक्षस हैं, जो उसके सेना है, वो उनको वहाँ से पकड़कर ले जाती है। रावण की सभा में पहुँचने के बाद क्या घटनाक्रम घटित होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो कपि ही विलोकी दसानन विहिसा करी दुर्वाद, सुतबद सूरती कीनी पूनी उपजा हृदय विषाद। कि कपि कौन है? वानर। वानर यानी हनुमान जी को देखकर, विलोकी का मतलब होता है देखना, दशानन दस मुख वाला कौन है? रावण। रावण ने क्या किया? विहिसा यानी हंसा और कहे दुर्वचन, कहे बुरे वचन वो बोला। लेकिन सुतबद्ध, सुत यानी अपने पुत्र के वध की सूरती जब याद उसे आई, किहनी पुनः और याद जब किया तो उपजा हृदय विषाद, कि अपने पुत्र का मरण जब उसे याद आया, जिसको हनुमान जी के द्वारा मार दिया गया था, तो वो याद आने से उसके हृदय में बहुत ही विषाद यानी संताप या दुख पैदा हुआ। यानी पहले तो रावण हनुमान जी को सभा में देखकर खूब जोर से हंसा और उसे बुरा भला कहा, लेकिन जैसे ही अपने बेटे के वध की बात उसे याद आई तो फिर से दुखी हो गया। कह लंकेश कवन तह कीसा, और लंकेश रावण हनुमान जी से उसके बारे में पूछते हुए क्या कहता है कि रावण ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा? कह लंकेश, लंकेश यानी रावण, लंका का राजा, कवन तह कीसा, कि हे वानर तू कौन है और कहाँ से आया है? केही के बल घोले ही बन खीसा, और तूने केही यानी किसके बल से घाले ही घाला है वन में खीसा यानी विनाश विध्वंस, कि किसके बल से, कि तू कहाँ से आया है और किसकी शक्ति से, किसके बल से डाल दिया है मेरे वन में विनाश, यानी मेरे वन का विध्वंस तूने किसके बल के आधार पर किया है? कि धो श्रवण सुने ही नहीं मोही, कि मैं देख रहा हूँ देखी अति असंख सठ तो ही, कि मैं देख रहा हूँ कि तू अशंक है, शंका से रहित है यानी निडर है, सठ है जिद्दी है, तो ही यानी तुम, इसीलिए धो श्रवण यानी क्या कारण है कि अपने कानों से सुने ही नहीं मोही, मेरी कही हुई बात तुझे अपने कानों से सुनाई नहीं देती या मेरी वाणी तू अपने कानों से नहीं सुन रहा है क्या, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या तूने कभी सुने ही नहीं मोही यानी मेरे बारे में नहीं सुना है, कि क्या तूने कभी मेरे बारे में मेरा नाम नहीं सुना है? क्योंकि देखिए रावण अपने आप में स्वयं को एक महाबलशाली महाशक्तिशाली राक्षस मानता है, राजा मानता है, तो उसे वो पूछ रहा है हनुमान से कि क्या तूने कभी मेरे बारे में अपने कानों से नहीं सुना है, वो जानना चाहता है, उसके मन को परखना चाहता है। मारे निशाचर कहीं अपराधा, और तूने निशाचर जो राक्षस हैं उन्हें मारा के ही किस अपराध में, रावण उससे पूछ रहा है कि तुमने जो निशाचर मारे हैं उनको किस अपराध में मारा है? कहु सट तो ही ने प्राण कई बाधा, कि कहो सच सच बता दो, कह दो कि तुमने हमारे राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है, क्या तुम्हें अपने प्राण कई बाधा। तो यहाँ पर क्या है कि हम तो ही न तुम्हें नहीं प्राण कई करेंगे बाधा यानी संकट, कि हम तुम्हारे प्राणों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे या हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमें जो बात है वो सच सच बता दो कि तुमने हमारे राक्षसों को हमारी सेना को किस अपराध में मारा है। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासू बल बिरचती माया। रावण की ये बातें सुनकर हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे रावण सुनो, माया क्या है? प्रकृति, ये संसार।
जिस परमात्मा के बल पर ब्रह्मांड निकाया यानी गति कर रहा है, समूचा ब्रह्मांड चल रहा है, पाई जासु बल, मैंने उसी से बल प्राप्त किया है और उसी से जिससे इस माया की रचना हुई है, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, उसी से मैंने लड़ने का बल प्राप्त किया है, ये शक्ति प्राप्त की है। ये कौन कह रहा है ये वचन? ये हनुमान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? रावण से। क्योंकि ये वचन किसने पूछे हैं? ये रावण ने पूछे हैं। और इसका उत्तर कौन दे रहा है? हनुमान जी दे रहे हैं। जाके बिल बिरची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शीस धरत सहसासन, अंड कोश समेत गिरी कानन। यहाँ पर श्री राम के बल और सामर्थ्य के बारे में हनुमान जी बताते हैं कि जाके बल, जिसके बल से विरंची हरि ईसा, जिसके बल से इस जगत का निर्माण होता है, हरि और ईशा ईश्वर विरंची पालत हैं, सृजन करते हैं और हरण करते हैं। दस शीशा, दस शीश सिर वाले रावण, तुम सुनो कि जिसके सामर्थ्य से, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो ब्रह्मा क्या करते हैं यहाँ पर? पालन करते हैं, विष्णु सृजन करते हैं और महेश हरण करते हैं, संहार करते हैं। जिसके जा के बल, जिसके बल से शीश धरत, जिसके सामर्थ्य थे शेष जी सहशासन, सिर पर किसको धारण कर लेते हैं? अंडकोश समेत, अंडकोश क्या है? ब्रह्मांड समेत गिरी और कानन, गिरी यानी पर्वत, कानन और जंगल, कि जिनकी शक्ति से शेष जी अपने सिर पर वन पर्वत के साथ ब्रह्मांड को भी धारण करते हैं, उन्हीं के बल से, उन्हीं के द्वारा बल की प्राप्ति मुझे हुई है। धरई जो विविध दे सुर त्राता, तुम्हें से सटनह सिखावनु दाता। भगवान राम के अवतार का कारण बताते हुए यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं कि और देवताओं की रक्षा के लिए विविध दे, अलग अलग दे यानी शरीर, सुर त्राता, सुर यानी देव, देव जो त्रास्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग प्रकार की देह को धरई धारण करते हैं, और तुम्हें से सटने, और तुम जैसे दुष्टों को सिखावनु दाता, सिखाने वाले हैं, दंड देने वाले हैं, इसीलिए वो अनेक शरीर धारण करते हैं। हर को दंड कठिन जेही भंजा। यहाँ पर वो क्या कहते हैं? देखिए, जिन्होंने कोदंड, हर यानी हरि, कोदंड यानी हरि का धनुष, हरि कौन है? शिव। शिव के धनुष को जिसने भंजा, जिसने तोड़ा, ते ही समेत नृप दल मद गंजा। तुम्हारे साथ साथ जिसने समेत नृप यानी राजाओं के, नृप होता है राजा, राजाओं के दल यानी समूह को, उनके मद यानी अहंकार को गंजा समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, भंजन कर दिया, कि जिसने शिव के धनुष को तोड़कर संपूर्ण जो राजा थे तुम्हारे समेत, अन्य जो राजाओं का दल था जो सीता स्वयंवर में आया हुआ था, या अन्य जो अहंकारी राजा थे, उन सब के अहंकार को नष्ट कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, यहाँ पर क्या कहते हैं? जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली जैसे राक्षसों या बाली जैसे दुष्ट राजाओं को बधे सकल अतुलित बलशाली, ऐसे बल वाले योद्धाओं को जो बलशाली थे, जिनका जो बधे हुए थे सकल संपूर्ण अतुलित बल से, उनके भी अहंकार को नष्ट कर दिया। यानी खर और दूषण जो राक्षस थे, त्रिशिरा जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, और बाली यानी सबका जो दुष्ट व्यक्ति थे, जो अहंकारी व्यक्ति थे, उन बलशालियों को मार डाला या उनके अहंकार को नष्ट कर दिया। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी, तास दूत में जा करी हरी आने हूँ प्रिय नारी। तो वो आगे क्या कहते हैं? यहाँ पर वो बताते हैं कि हे रावण, जाके बल, जिसके बल से लवलेश, लवलेश यानी थोड़ा सा भी,
जीते हूँ चराचर झारी। तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, चराचर चर और अचर झारी जीत लिया है। उस परमात्मा तासु दूत मैं, उस परमात्मा का मैं दूत हूँ। जा करी जिसको कर लिया है हरि हरण, आने हूँ प्रिय नारी। कि जिसकी प्यारी सीता का तूने हरण कर लिया है, मैं उसका दूत हूँ। कि जिसके बल से अर्थात किंचित मात्र थोड़े से अंश थे, तूने तमाम चराचर को जीत लिया है। यहाँ पर राम को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया है और अन्य देवी देव उसके अंश मात्र हैं, ऐसा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि और उसकी नारी जिसका तूने, उसकी प्रिय नारी का तूने, सीता का तूने हरण कर लिया है, मैं उसका तास दूत मैं उसका दूत हूँ। तो यहाँ पर हनुमान जी रावण को संबोधित कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, आगे वो क्या कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुताई तभी जानूंगा। प्रभुताई यानी जो बड़ाई तुम कर रहे हो, सहस्र बाहुसन परी लड़ाई, जब तुम्हें जो सहस्र बाहु के साथ युद्ध करने का काम पड़ा था, यानी तुम्हारी प्रभुता को तो मैंने तभी से जान लिया था जब तुमने सहस्र बाहु के साथ लड़ाई लड़ी थी। समर बाली सन करी जसु पावा, और मुझको ये बात भी याद है कि तुमने समर यानी युद्ध बाली से लड़कर क्या किया था, जसु यानी यश को प्राप्त किया था। सुनु कपि वचन बहिसी बिहिरावा, हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण हंसी में ही, वचन क्या है, बिहिरावा यानी बिसरा दिए, भुला दिए, रावण ने हनुमान जी की ये बातें हंसी में ही उड़ा दी। खायों फल प्रभु लागी भूखा, आगे वो क्या कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण, मैंने तुम्हारे फल खाए। क्यों खाए? क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझको भूख लग गई थी, इसीलिए मैंने आपके बाग के फल खाए। कपि स्वभाव ते तोरियों रूखा, और तुम अगर कहते हो कि मैंने रूखा यानी पेड़ क्यों तोड़े, तो वो बानर का स्वभाव है, कपि के स्वभाव के कारण ही मैंने पेड़ों को भी तोड़ा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, और कहते हैं कि सबके देह में, सबके शरीर देह को बहुत प्यारा लगता है, क्या है, प्रिय स्वामी। कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपके राक्षसों को मारा, इसका कारण क्या है कि हे रावण, अपना देह, सबके देह, अपने देह परम प्रिय स्वामी, कि सबका देह सबको प्यारा लगता है, अपना अपना शरीर सबको प्यारा लगता है। मारही मोही कुमारग गामी, और वो मुझे मार रहे थे, मुझको मारने लगे, कि वो खोटे रास्ते चलने वाले, कुमारक, कुमारक यानी गलत रास्ते पर, गामी यानी चलना, गलत रास्ते पर जाने वाले कौन है, जो राक्षस हैं वो गलत रास्ते पर चलने वाले मुझे मार रहे थे। और मेरा देह तो मुझे प्यारा है ही, क्योंकि सबका देह सबको प्यारा लगता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने फल क्यों खाए, क्योंकि मैं भूखा था, मैंने पेड़ क्यों तोड़े, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, बानर का स्वभाव है तोड़फोड़ करना, और मैंने राक्षसों को क्यों मारा, क्योंकि वो मुझे मार रहे थे। और जैसे सबको अपना शरीर प्यारा होता है, वैसे ही मुझे भी मेरा शरीर प्यारा है, इसीलिए मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए आपके राक्षसों को मारा। जिन्हें मोही मारा तय मैं मारे, कि जिन्हें, जिन्होंने मोही मुझे मारा तय उनको मैंने मारा, मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए। ते ही पर बांधूं तने तुम्हारे, और जब मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनको मारा तो बांध लिया तने, तने यानी पुत्र तुम्हारे ने, मोही ने कुछ बांधे कहीं लाजा, और मुझे ने कुछ बंद कर लाज आई। कीने चहू निज प्रभु कर काजा, क्योंकि मैं कीने करना चाहता हूँ अपने निज यानी अपने प्रभु का कार्य, कि मैं अपने प्रभु की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ और मुझे बंद कर कोई लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने स्वामी का कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। विनती करूँ जोरी कर रावण, और हनुमान जी रावण को कहते हैं कि हे रावण, मैं विनती करता हूँ कर जोड़ कर, हाथ जोड़ कर, सुनो मान तजी मोर सिखावन, कि सुनो मान को त्याग कर, अभिमान को छोड़कर मेरी शिक्षा, मैं जो सिखा रहा हूँ वो तुम सुनो। देखो तुमु निज कुल ही विचारी, कि देखो
तुम अपने कुल के बारे में विचार करके। भ्रम तजी भजो भगत भय हारी, और भ्रम को त्याग कर भजो भगत के भय हरने वाले श्री राम को का भजन करो। तो यहाँ पर वो रावण को समझाना चाहते हैं कि तुम देखो, विचार करो, और जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, श्री राम जो भ्रम को दूर करके भक्तों को भय मुक्त करते हैं, उनकी तुम सेवा करो। जाके डर अति काल डेराई, कि जिसके डर से जो काल है वो भी भयभीत हो जाता है। जो सुर असुर चराचर खाई, जो सुर और असुर सबको खाई यानी खा जाता है, नष्ट कर देता है। यहाँ वो क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो देवता दैत्य और सारे चराचर को खा जाता है वो कौन है, काल है, मृत्यु है। लेकिन जिसके डर से ये काल भी डरता है, तासों बैरू कभू नहीं कीजिए, उससे बैर कभी नहीं करना चाहिए, मारे कहीं जान की दीजिए। कि तुम मेरा मोरे कहे मेरे कहने से जानकी माता सीता को दे दो, कि राम को समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो काल को भी, उनके सामने तो काल भी भयभीत हो जाता है, और तुम उनसे बैर कर रहे हो जिनसे काल डरता है, ऐसा तुम मत करो। तुम माता सीता को रावण को, रावण तुम माता सीता को राम को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। हनुमान जी रावण को भगवान की शरण में जाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हे रावण, वो तो रघुवंशी रघुकुल नायक, रघुकुल के नायक श्री राम हैं, करुणा सिंधु हैं, प्रणत पालक हैं, भगत के पालक हैं, खरारी खर राक्षस को मारने वाले हैं, और करुणा के सागर हैं। गए शरण प्रभु राखी तब अपराध भिसारी, कि इसीलिए तू प्रभु के शरण में, प्रभु की शरण गए, चले जाओ किसकी शरण में, प्रभु की शरण में, क्योंकि वो अपनी शरण में आने वाले को रखते हैं, उसके सारे अपराधों को भुलाकर अपनी शरण में रख लेते हैं, और तुम्हें भी इसीलिए वैसा ही करना चाहिए, करुणा के सागर श्री राम की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अपराध करने वाले को भी क्षमा करके अपनी शरण में रख लेते हैं। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राजू तुम करहूं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि तू रामचंद्र जी के जो चरण पंकज, चरण कमलों को उर यानी हृदय पर धारण कर लो, और उनकी कृपा से लंका पर अचल राज तुम करो। अविचल यानी किसी बात से विचलित हुए बिना अडीग राज तुम कर सकते हो। ऋषि पुलसित जसु विमल मयंका, महामुनि पुलसत्य जी का यहाँ पर उदाहरण दिया है कि उनका विमल मयंका, जो उनका निर्मल चंद्रमा के समान उज्जवल, ते ही ससी मनहु जही होहूँ कलंका। इसलिए तू उस कुल के बीच कलंक के समान, जैसे शशि में कलंक होता है, शशि ऋषि पुलसति जो तुम्हारे पूर्वज है, पुलसत्य जी, पुलसत्य जी जो तुम्हारे पूर्वज हैं, यानी तुम्हारे पूर्वज ऋषि पुलसत्य का परिवार तुम्हारा पूर्वजों का परिवार है, जो कि चंद्रमा के समान प्रकाशवान है, या जिनका नाम या जिनकी शोभा अकलंकित है, तुम उसमें कलंक का कार्य मत करो। वो उनको समझा रहे हैं कि तुम बुरा काम मत करो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू विचारी त्यागी मद मोहा। कि हे रावण, तुम अपने मन में विचार करो, त्याग कर अहंकार और मोह को त्याग करके, तुम अपने मन में विचार करो कि राम नाम के बिना, राम नाम की वाणी के गिरा गिरा गिरी न सोहा, वाणी कभी शोभा नहीं देती। कि राम नाम के बिना तो वाणी में भी कोई शोभा नहीं है, तुम इस बात को विचार करो अपने अहंकार का त्याग करके। बसनहीन नहीं सोहे सुरारी, वस्त्रों के बिना नहीं सुंदर लगती सुरारी, सुंदर नारी भी शोभायमान नहीं होती। सब भूषण, चाहे उतने उसने कितना ही सुंदर आभूषण पहनकर श्रृंगार, बर यानी सुंदर नारी के, चाहे
सुंदर नारी ने कितने भी सुंदर आभूषण पहनकर श्रृंगार क्यों ना कर रखा हो, वो बिना वस्त्रों के शोभायमान नहीं होती। वैसे ही बिना राम नाम के वाणी भी शोभायमान नहीं होती। तो यहाँ पर वो अपनी वाणी में राम नाम को शामिल करने के लिए रावण को संबोधन कर रहे हैं या रावण को समझा रहे हैं कि तुम्हें अपनी वाणी में राम के नाम को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना वस्त्रों के। तो यहाँ पर नारी की सुंदरता की बात की है कि एक सभ्य नारी तभी सुंदर लगती है जब सुंदर आभूषणों के साथ उसने सुंदर वस्त्र पहन रखे हों, और उसी प्रकार वाणी में जब राम का नाम हो तभी वो सुंदर लगती है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।